हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2008 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में, जिसका नाम है मेड ऑफ ऑनर। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही प्यारे मैरिड कपल कैरी एंड रिचर्ड के साथ, जो अपने 19th एनिवर्सरी पार्टी से घर वापस आ रहे थे। बहुत ही खुश लग रहे थे दोनों। उनका प्यार उनके आंखों में झलक रहा था। देखकर ही पता चल रहा था आने वाले समय को लेकर कितना एक्साइटेड है दोनों, कितने सारे सपने सजा कर रखे हैं। मगर शायद ऊपर वाले से उनकी यह खुशी ज्यादा देर देखी नहीं जाती। उसी रात एक फेटल एक्सीडेंट में कैरी की मौत हो जाती है। टुकड़ों में बिखर जाते हैं उनके सारे सपने। वक्त के साथ साथ रिचर्ड फिजिकली तो ओवरकम कर लेता है, बट इमोशनली वो बिल्कुल टूट चुका था। अपने बच्चों को संभालने की हिम्मत भी नहीं थी उसमें। ऐसे में उसकी मदद करती है लेसी, कैरी की बहन। भले ही कैरी से वो ज्यादा क्लोज नहीं थी, मगर उसके जाने के बाद उसके परिवार को अपना लेती है वो। उसके बच्चों को माँ का प्यार देना, इस टूटते हुए घर को संभालना, सब कुछ करती है। सिर्फ और सिर्फ उसी के वजह से अपनी लाइफ वापस मिलती है रिचर्ड को, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल भी था। मगर वो कभी समझ नहीं पाया इस सब के पीछे लेसी का भी कुछ और इंटेंशन है। वो मन ही मन रिचर्ड को पसंद करने लगी थी। उसकी ख्वाहिश थी रिचर्ड की जिंदगी में वो कैरी की जगह लेगी, ये परिवार उसका होगा सच में। लेकिन ऐसा होता नहीं। रिचर्ड एक और लड़की निकोल से प्यार कर बैठता है, खुलेआम डेट करने लगता है उसे। उसके कलीग, दोस्त, परिवार सभी को निकोल के बारे में पता था। भले उसके बच्चे मॉली एंड डैनी निकोल को पसंद नहीं करते थे उतना, मगर उनके पिता की खुशी से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो बस लेसी को, उसे तो निकोल के नाम से ही जलन होने लगा था। बिल्कुल किसी ऑब्सेसिव मैनियक की तरह रिचर्ड को फॉलो करने लगी थी वो। जब भी उसे पता चलता था रिचर्ड निकोल से मिलने जा रहा है, वो भी वहां जा पहुंचती थी। ऐसे एक दिन वो छुपके से देखती है रिचर्ड निकोल को प्रपोज कर रहा है शादी के लिए। वो लोग अगले महीने ही शादी करने वाले हैं। अब ये दिन एक दिन आएगा ये तो उसे पता था, मगर इतनी जल्दी उसका इसे आइडिया नहीं था। वो तो अभी तक रिचर्ड को ठीक से मैनिपुलेट भी नहीं कर पाई। बहुत खराब लगता है उसे। जिस रिचर्ड के लिए उसने इतना कुछ किया, उसने ही उसे ठुकरा दिया। यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक से हमें लेसी के पास्ट का कुछ झलक नजर आता है, जिससे हमें एहसास होता है उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। वो हमेशा से ही निग्लेक्टेड रही। कैरी के रिचर्ड के साथ भाग जाने के बाद उसे अकेले ही अपने बीमार माँ का ख्याल रखना पड़ा। उसने रखा भी कई सालों तक। उसके कोई पर्सनल लाइफ नहीं था, ना कोई दोस्त, ना कोई प्रेमी। और उसकी माँ, वो भी उससे ज्यादा कैरी को पसंद किया करती थी, हमेशा उसी को याद करती थी। एज इफ प्रेजेंट ना होकर भी कैरी हमेशा लेसी की कंपटीटर बनी रही, जिस वजह से लेसी के दिल में उसके खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। उसे लगने लगा सबने हमेशा उसे सिर्फ यूज किया है, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, कभी उसका वैल्यू ही नहीं किया। डे आफ्टर डे उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी बढ़ती गई कि उसके अंदर के सारे पॉजिटिविटी को खत्म कर दिया। उसकी मेंटेलिटी इतनी नीचे गिर गई कि जैसे ही उसे मौका मिला, उसने बदला ले लिया। एक रात जब उसकी माँ जमीन पर गिर गई थी और उन्हें हार्ट अटैक आने वाला था, लेसी ने उनकी मदद नहीं करी, ना उन्हें उठाया, ना हॉस्पिटल ले गई। उल्टा उन्हें पड़े पड़े मरते हुए देखा लेसी ने। उसे अपने करतूतों पर कभी शर्म नहीं आई, क्योंकि उसके मुताबिक उसने कुछ गलत नहीं किया। उसे अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना था, जिसके लिए उसके माँ का मरना और उस घर से निकलना जरूरी था, जो उसने किसी तरह पूरा कर लिया। मगर अभी वो क्या करेगी? क्या रिचर्ड को कभी पा सकेगी वो? रात पर बहुत सोचती है लेसी और फाइनली एक प्लान तैयार करती है, जिसमें उसके मेन वेपन्स थे रिचर्ड के बच्चे। उसे पता था मॉली और डैनी इस बात को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसे बस उस आग को और थोड़ा भड़काना है, दैट्स ऑल। उसका काम हो जाएगा। वो करती भी वही। नेक्स्ट डे जैसे ही रिचर्ड बच्चों को अपने डिसीजन के बारे में बताते हैं और मॉली गुस्सा होकर झगड़ने लगती है, लेसी उसे ये कहकर और नाराज कर देती है कि निकोल आकर उसके पिता पर हक जताएगी, उसकी माँ बनने की कोशिश करेगी, तब उसी के अकॉर्डिंग जीना पड़ेगा उसे। यह सुनकर मॉली इतना नाराज हो जाती है कि उसी वक्त घर छोड़कर भाग जाती है वो। दूसरी तरफ लेसी डैनी को ये कहकर मैनिपुलेट करती है कि इस घर में कोई इसकी परवाह नहीं करता,
सबको अपनी पड़ी है सिवाय लेसी के। एक वो ही है जो उससे सच में प्यार करती है, बाकी और कोई नहीं। डैनी जैसे एक छोटे बच्चे के लिए यह समझना नामुमकिन था कि लेसी बस उसका इस्तेमाल कर रही है, अपने मीठी मीठी बातों से उसे पॉल्यूट कर रही है। वो कैसे समझेगा, उसके पिता ही कभी समझ नहीं पाया। उसके पीठ पीछे कैसा खेल खेल रही है लेसी। रिचर्ड के सामने वो हमेशा खुद को ऐसे प्रेजेंट करती रही जैसे उसके शादी से वो बहुत खुश है, उसे कहाँ कोई दिक्कत है। मगर साथ में यही भी याद दिलाती रही कि बच्चों के परमिशन के बगैर वो शादी नहीं कर सकता। उनके खुशी के आगे रिचर्ड को अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी, तभी तो वो एक अच्छे पिता बन पाएंगे। फाइनली पूरा दिन मौली को ढूंढने के बाद जब रिचर्ड को पता चलता है कि वो जेल में है, पुलिस ने उसे ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए अरेस्ट किया है, तब रिचर्ड को भी लगने लगता है कि शायद लेसी ठीक कह रही है, उनके बच्चों पर कुछ ज्यादा ही बुरा असर पड़ा है उसके डिसीशन का, शायद उन्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तब तक मौली अपनी गलती समझ चुकी थी, उसे एहसास हो चुका था वो कितने सेल्फिश हो रही है, तो वो रिचर्ड को परमिशन दे देती है और निकोल से मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है। डिसाइड होता है कि वो अगले हफ्ते ही घर आएगी फैमिली डिनर के लिए। अब ये सुनकर लेसी की हालत तो खराब हो जाती है, वो नया प्लान सोचने लगती है जिसमें फिर से उसके काम आता है डैनी। वो फिर से उसका ब्रेन वॉश करती है, डराती है, भड़काती है, जिससे निकोल के प्रति उसके मन में नफरत पैदा हो। होता भी वही, निकोल के घर आने पर डैनी उससे बहुत रूडली बिहेव करता है, मगर निकोल एक बहुत ही स्मार्ट एंड काइंड हार्टेड लेडी थी, वो कुछ माइंड नहीं करती, उल्टा लेसी से दोस्ती बनाने की कोशिश करती है, उसे अपने शादी में मेज ऑफ ऑनर बनने की रिक्वेस्ट करती है। लेसी राजी तो हो जाती है, इवन एक अच्छे दोस्त की तरह सारे अरेंजमेंट्स में उसके हाथ भी बटाती है, मगर मन ही मन वो तो ऐसे में एक मिसिंग लिंक ढूंढ रही थी, निकोल के बारे में एक ऐसी नेगेटिव ट्रेट जिसे वो इश्यू बना सके। भला कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, इसे जानने के लिए एक दिन वो चोरी छुपे निकोल के घर जा पहुंचती है। उसने पहले ही रिचर्ड और उसे बात करते हुए सुना था कि आज सुबह 10 बजे वो लोग कहीं जाने वाले हैं। लेसी ने इसी का फायदा उठाया, उसे ये भी पता था कि रिचर्ड के पास निकोल के घर की एक्स्ट्रा चाबी है, तो उसके निकलने से पहले लेसी ने कायदे से उसके चाबी का गुच्छा छुपा लिया और उसे स्पेयर कीज यूज करने पड़े। इसके बाद लेसी खुद पहुंच गई निकोल के घर उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट सर्च करने। वहां उसे एक लेटर मिलती है जिससे उसे ये पता चलती है कि निकोल असल में ओहायो से नहीं बल्कि लेकवुड नाम के एक छोटे से शहर से है। वहां उसका एक पास्ट है जो उसने किसी को नहीं बताया, मगर क्यों, लेसी को यही पता करना था। तो वो उसी दिन निकल पड़ती है और इस लेटर के सेंडर को ढूंढ निकालती है, और उनसे उसे जो पता चलता है वो काफी शॉकिंग था। उसे जाने मिलता है निकोल ने अपने बारे में कई सारे झूठ कहा है, कुछ बातें छुपाई है। उसका असली नाम तो निकोल मेजर है, वो जोएल मेजर की पत्नी है। भली उनकी डिवोर्स हो चुकी है, मगर उनका रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इतना कि न्यूज़पेपर का हेडलाइन भी बन चुका था। इसके बारे में डिटेल्स पे पता लगाने के लिए लेसी जाती है लाइब्रेरी, और वहां पुराने पेपर से उसे पूरी बात समझ आ जाती है। असल में 12 ईयर्स पहले निकोल की एक जोएल नाम के आदमी से शादी हुई थी, जो एक खूनी और एक स्मगलर था। एक केस में उसके 20 साल की जेल भी हुई है और निकोल से भी पूछताछ की गई थी। पुलिस का शक था वो भी इस बिजनेस में शामिल है। भले बाद में उसे छोड़ दिया गया, मगर उसके और उसके पति के नाम के साथ अभी भी एक क्राइम हिस्ट्री जुड़ी हुई है। वो जैसे दिखाती है उतनी भोली भी है नहीं वो, तो क्या ये सब जानने के बाद रिचर्ड उससे शादी करेगा, शायद नहीं। मगर ये सीक्रेट रिचर्ड तक आखिर पहुंचेगा कैसे, लेसी खुद से तो जाकर बता नहीं पाएगी। तो यहाँ भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है लेसी और जोएल को एक चिट्ठी लिखती है एनोनिमसली कि उसकी पत्नी फिर से शादी कर रही है और वो उससे सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती है। साथ में वो रिचर्ड का नंबर भी दे देती है निकोल के नाम से, जिससे जोएल वहां कॉल करे और रिचर्ड तक बात पहुंच जाए। लेसी को यकीन था ये तरीका जरूर काम करेगा, वो तो लिटरली बहुत प्राउड फील कर रही थी, इतने बड़े राज को खोदकर बाहर निकाला है उसने। बट अलास, किसी को वो बता नहीं सकती। अपने फुल प्रूफ प्लान पे फुल कॉन्फिडेंस था लेसी को, जिसके चलते एक छोटी सी गलती कर बैठती है वो। लाइब्रेरी के बाहर वाले फोन बूथ से कॉल करती है अपने एक दोस्त केविन को, जो कोइंसिडेंटली रिचर्ड का बेस्ट फ्रेंड था। एक्चुअली उस रात दोनों किसी काम से मिलने वाले थे, मगर वो और पॉसिबल नहीं हो पाएगा, घर लौटने में ही लेट हो जाएगी उसे।
तो एक झूठ मूठ का बहाना देकर उस वक्त के लिए केविन को तो कन्विंस कर लेती है लेसी, मगर उसे कोई आइडिया भी नहीं था उसका यही चाल बाद में उस पर भारी पड़ने वाला है। वो घर आ जाती है और फिर से अपना काम शुरू कर देती है, वहीं डैनी को मैनिपुलेट करना, उसके सामने मासूम सा चेहरा बनाकर दुखी होने का नाटक करती है, हेल्पलेस दिखाती है खुद को, ये कहकर डैनी को डराती है कि वो बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाएगी, तब उसका क्या होगा, निकोल तो उसे कच्चा चबा जाएगी। उधर कुछ दिनों के अंदर ही उसका दूसरा प्लान भी रंग लाने लगता है। एक दिन सुबह सुबह रिचर्ड के नंबर पे कॉल करता है जोएल और उसे निकोल के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। ये रिचर्ड के लिए काफी बड़ा झटका था, स्पेशली जब बात शादी तक पहुंच चुकी है, खुद को डिवोर्ट कर चुका है वो कम्प्लीटली, ऐसे में इतना बड़ा झूठ। वो उसी दिन जाके निकोल को कन्फ्रंट करता है, गुस्से में थोड़ा रूड बिहेव भी करता है, और जब निकोल उसका जवाब ना देकर वहां से निकल जाती है, रिचर्ड और नाराज हो जाता है, मन ही मन डिसाइड कर लेता है कि फिर कभी निकोल से बात नहीं करेगा। मगर केविन उसका बेस्ट फ्रेंड उसे समझाता है, उन्हें निकोल की स्टोरी भी तो जाननी चाहिए, जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी। उसके कहने पर रिचर्ड निकोल से जाकर बात करता है और उसे एहसास होता है बेचारी तो खुद एक विक्टिम है, गलती से क्रिमिनल के साथ फंस गई थी, ऐसे पास्ट को कौन याद रखना चाहेगा। दोनों बात करके सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं, जिससे लेसी का प्लान एक बार फिर फेल कर जाता है। उधर घर में वो जब अपने मरे हुए बहन की वेडिंग रिंग पहनकर रिचर्ड से शादी करने का सपना देख रही थी, तब उसे मौली देख लेती है। उसके बर्ताव से शक भी होता है मौली को, मगर वो कुछ कहती नहीं। ऑन द अदर हैंड किसी और के दिल में भी शक पैदा होने लगा था, केविन के, जिसे लेसी ने उस दिन कॉल किया था। एक्चुअली वो रिचर्ड का बेस्ट फ्रेंड भी था, जिस कारण से उसे निकोल के पास्ट के बारे में सब पता चल चुका था। और जब रिचर्ड उससे कहता है निकोल पहले ज्वेल के साथ लेकवुड शहर में रहती थी, उसे शक होता है, कहे ये एनोनिमस टेप उसी का तो दिया हुआ नहीं। वो इस नंबर पे कॉल करता है, जिससे उसे पता चल जाता है लेसी उस दिन लेकवुड गई थी। इससे उसे ये भी समझ आ जाता है कि इस मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि ऑलरेडी उसे पता था लेसी रिचर्ड को लेकर ऑब्सेस्ड है, वो जिस तरह से उसे देखती है उसी से पता चल जाता है। मगर उसका ये स्टेप केविन को हजम नहीं होता, ये गलत है। घर में रिचर्ड अपने परिवार को इन्फॉर्म करता है कि उसने निकोल से पैचअप कर लिया है, जिसे सुनकर लेसी आग बबूला हो जाती है, गुस्से में आपा खो देती है वो, और डैनी से कहती है जोएल बहुत जल्द जेल से छुटने वाला है, तब वो सीधे यहीं आएगा, मार डालेगा सबको, उसके पिता भी उसे बचाने नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो उसे सिर्फ निकोल की परवाह है। यह सब सुनकर बेचारा डैनी इतना डर जाता है कि उसे बुखार आ जाता है, स्ट्रेस के कारण दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। अपने फायदे के लिए लेसी इस छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ती, और जब रिचर्ड उससे पूछता है तो वो सारा दोष निकोल पर डालती है, कहती है उसी के टेंशन में डैनी का ऐसा हाल हुआ है, मगर वो थॉट्स वो डाल रही है उसके दिमाग में ये नहीं बताती। दूसरी तरफ सिचुएशन के अहमियत को समझकर निकोल खुद डैनी से बात करने की डिसाइड करती है, मगर उसमें भी लेसी को प्रॉब्लम थी, वो बाधा डालने की कोशिश करती है मगर कामयाब नहीं होती। कमरे के बाहर खड़े गुस्से में तड़पती रहती है, बस वो समझ चुकी थी उसे एक मास्टर स्ट्रोक की जरूरत है, ऐसे छोटे मोटे ट्रायल से काम नहीं चलेगा। मगर उससे पहले ही केविन उसे कन्फ्रंट कर लेता है और उससे कहता है रिचर्ड को छोड़कर अपने घर वापस जाने के लिए, नहीं तो वो सबको सब कुछ बता देगा। वो काफी सीरियस था, जिससे लेसी डर जाती है और एक पत्थर से मार के उसका खून कर देती है। किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, सबको लगता है ये किसी लुटेरे का काम होगा। एक अच्छे दोस्त के ऐसे अचानक गुजर जाने से रिचर्ड और निकोल दोनों ही काफी अपसेट हो पड़े थे, मगर अपनी शादी पोस्टपोन नहीं करते वो लोग, क्योंकि सारे प्रिपरेशन हो चुके थे और केविन भी तो यही चाहता था। इससे लेसी को भी मौका मिल जाता है, वो प्रिपरेशन में हाथ बटाने के बहाने से हमेशा निकोल के साथ साथ रहने लग जाती है, एंड फाइनली उसे ऑफर करती है जिस दिन वो लोग केक ट्रायल के लिए जाएंगे उस दिन वो केक को पिकअप करेगी। निकोल के दिल में कोई पाप नहीं था, इसलिए वो मान जाती है, और इसी का फायदा लेकर लेसी उसका केक नट वाले केक से चेंज कर देती है, और तो और कैफे में उसके बैग से मेडिसिन भी निकाल लेती है वो, जिसे अहम वक्त पर उसे दवाई ना मिले।
होता भी वही। जब निकोल को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, लेसी उसके पास बैठे बैठे कंसर्न्ड होने का नाटक करती है। देखते ही देखते हालत बहुत क्रिटिकल हो जाती है निकोल की। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है और डॉक्टर कहते हैं अगर और थोड़ी देर हो जाती तो वो कोमा में भी जा सकती थी, हमेशा हमेशा के लिए। बट लकीली ऐसा कुछ नहीं होता। निकोल धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है, जो लेसी से सहन नहीं होता। वो प्लान बी अप्लाई करने की सोचती है, जिसके लिए मॉली को घर भेज देती है वो। रिचर्ड तो शहर में ही नहीं था, मॉली ने उसे कॉल किया था, फिर भी उसे आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। हॉस्पिटल में निकोल के साथ बिल्कुल अकेली थी लेसी। इसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूज करती है वो। जब निकोल को पर्सनल केबिन में शिफ्ट किया जाता है तो एक पिलो से सफोकेट करके उसे मारने की कोशिश करती है वो। निकोल स्ट्रगल तो करती है लेकिन खुद को बचाने की क्षमता नहीं थी उसमें। उसका दम बस घुटने ही वाला था कि सही समय केबिन में मॉली घुस आती है और लेसी को देख लेती है। एक्चुअली वो जब घर वापस जा रही थी तो कुछ बातें उसके दिमाग में स्ट्राइक करती हैं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से लेसी का बर्ताव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। बहुत अजीब हिस्टेरिक बिहेव कर रही थी वो, और एक टीनेजर होने के नाते उसे कुछ कुछ अंदाजा लग चुका था कि लेसी के मन में क्या चल रहा है, वो निकोल से क्यों इतना जलती है। ऊपर से कल रात जब डैनी उससे वो सारी बातें शेयर करता है जो लेसी ने उसे बताया था, तो वो और श्योर हो जाती है। फिर भी वो चुप थी क्योंकि शादी से पहले वो कोई सीन क्रिएट करना नहीं चाहती थी। वैसे भी कुछ दिन बाद लेसी तो घर छोड़कर जाने वाली है, मगर आज सुबह कैफे में जो कुछ भी हुआ उसे याद करके मॉली को लेसी का चाल समझ आ जाता है। उसे याद आता है केक कटिंग से पहले लेसी एक बार वॉशरूम गई थी, उसके बाद ही निकोल के बैग से उसके मेडिसिन गायब हुए, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंटली केक में नट्स कहाँ से आए, उसने खुद बेकर से बात किया है, उसने तो नहीं डाला। लेसी कितना ही टेंस्ड होने का नाटक क्यों ना करे, मॉली ने एक बार भी उसके चेहरे पर वो डर नहीं देखा, ना उसके स्टेबल होने पर कोई रिलीफ देखा। ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, लेसी एक हिपोक्रिट है, नाटक है सब उसका, असल में तो वो निकोल को मारना चाहती है। जैसे ही मॉली को ये बातें समझ आ जाती है, वो भागती है हॉस्पिटल की तरफ और वहां पहुंच के अपने डर को सच होते हुए देखती है। वो बिल्कुल श्योर थी लेसी के करतूतों के बारे में, जिस कारण से वो उसे कन्फ्रंट करती है, साथ ही में रिचर्ड के आने पर उसे भी बताती है। इससे लेसी पड़ जाती है मुश्किल में और उसका असली चेहरा बाहर आने लगता है। वो और खुद को रोक नहीं पाती, ना अपना ड्रामा कंटिन्यू कर पाती है। रेचर जब उसे शांत करने जाता है, लेसी उस पर भी चिल्लाने लगती है, वो क्यों उससे प्यार नहीं करता, वो निकोल वो क्यों आई उनके बीच। जबकि सच्चाई तो यही थी कि उसके आने से पहले भी रेचर ने कभी लेसी से प्यार नहीं किया, उस नजरिया से देखा ही नहीं कभी, ना कभी देख सकता है। इतना सब कुछ सुनकर भी लेसी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो सुसाइड करने की धमकी देकर वहां से निकल जाती है और एक नदी के पास जाकर अपना पर्स फेंक देती है, जिससे पुलिस को लगे वो मर चुकी है। होता भी यही, सबको खराब तो लगता है मगर सभी टेंशन फ्री भी हो पाते हैं, आखिर एक साइको से दुश्मनी मोल लेना कोई अच्छी बात तो नहीं ना। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, रिचर्ड और निकोल की शादी हो जाती है और हनीमून पे वो लोग जाते हैं एक सिक्लूडेड केबिन में। उन्हें लगा था वहां शांति से रिलैक्स कर पाएंगे कुछ दिन, मगर होता कुछ और ही। देर रात रिचर्ड को कॉल करती है लेसी और धमकी देती है कि वो रिचर्ड के बच्चों को अपने साथ ले जाएगी, फिर कभी उन्हें देख नहीं पाएगा वो। इससे रिचर्ड सच में ही डर जाता है और घर में कॉल करके मॉली को वार्न कर देता है, साथ ही साथ उसी वक्त निकल भी पड़ता है वापस जाने के लिए। मगर ये तो असल में लेसी का एक चाल था, वो एक्चुअल में रिचर्ड के घर के बाहर नहीं बल्कि उस केबिन के बाहर खड़ी थी। जैसे ही हड़बड़ी में रिचर्ड निकोल से अलग होता है, वो पहले रिचर्ड को मारकर बेहोश कर देती है, उसके बाद निकोल पर चाकू से हमला करती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, निकोल खुद को बचाने की बहुत कोशिश करती है एंड फाइनली वो चाकू लेसी के ही पेट में घुस जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फाइनली उसके पागलपन से आजाद हो पाती है निकोल। उसके बुलाने पर रिचर्ड का भी होश लौट आता है एंड एट लास्ट इतना सब कुछ हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। एट द एंड हम रिचर्ड के परिवार को देखते हैं जो फिर से एक बार कंप्लीट हो चुका था, बच्चे भी बहुत खुश थे और निकोल भी। होपफुली आगे भी वो लोग ऐसे ही रहने वाले हैं, कभी और किसी की बुरी नजर ना पड़े उन पर। इसी उम्मीद के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।
गाइस ऑनेस्टली ये एक वन टाइम वॉच मूवी है, ऐसे मूवीज में आपको पहले से ही पता रहता है आगे क्या होने वाला है, बट स्टिल देखने में इंटरेस्टिंग लगता है ना। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा, आप बताओ आपको ये वीडियो कैसे लगी, शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।